हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था सेंट्रिपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक क्विक रिवीजन आपको देता हूँ और फिर उसकी दो एप्लीकेशन के ऊपर आज बात करेंगे, ठीक है। तो पहले डिस्कस करते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। आपका दोस्त है, उसने क्या किया हुआ है, एक रस्सी से एक पत्थर को बांध कर कुछ इस तरीके से उसको मूव कराया हुआ है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। और आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है। ये कौन सा फ्रेम हो गया है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप रेस्ट पर हैं। तो देखो, आपको इतनी बात का पता है कि ये पत्थर इस सर्कुलर पाथ को छोड़ने की चाहत रखता है। अगर जब पत्थर की ये लोकेशन होगी और आप रस्सी को छोड़ दें तो पत्थर ऐसे टेंजेंशियली भाग जाएगा। जब ये पत्थर यहाँ पर हो और रस्सी ऐसे हो, और अगर आप अब इस रस्सी को छोड़ दें तो पत्थर ऐसे भाग जाएगा। तो मतलब ये इस सर्कल को छोड़ कर भागने की चाहत रखता है, ठीक है। और इस पत्थर को इस सर्कुलर पाथ में बनाए रखने के लिए एक फोर्स रखता है, और उसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रिपिटल फोर्स। और सेंट्रिपिटल फोर्स हमेशा टूवर्ड्स दी सेंटर लगता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? एम वी स्क्वेयर बाई आर। तो आप यहाँ पर खड़े होकर ये बोलोगे, सर देखो, जो धागे में टेंशन है, जो तनाव है, वही इसको मजबूर कर रहा है कि इसको किस में रहना है? सर्कल में रहना है। तो अल्टीमेटली जो टेंशन है वही क्या प्रोवाइड कर रही है? आपकी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। समझ आई बात आपको? मतलब आप सिस्टम को बाहर से खड़े होकर देखेंगे तो आपको एक फोर्स दिखेगा, ठीक है, सेंटर की तरफ, और आप बोल देंगे कि यही फोर्स क्या प्रोवाइड करवा रहा है? सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। समझ आई बात आपको? तो बस देखने का नज़रिया अलग है। आप बाहर से खड़े होकर देखेंगे तो क्या दिखेगा? सेंट्रिपिटल फोर्स। और बॉडी के ऊपर ही बैठ कर देखेंगे तो क्या नज़र आएगा? सेंट्रिफ्यूगल फोर्स। समझिए कैसे। मान लो अब आप इस पत्थर के ऊपर ही बैठ गए हो, बहुत छोटा आकार ले लिया आपने और पत्थर के ऊपर बैठ गए हो। तो देखो, जब ये इस तरीके से घूमेगा ना, तो आपको लगेगा कि कोई चीज़ आपको बाहर फेंकने की कोशिश कर रही है, हाँ के ना? सीधी सी बात है, ये पत्थर बाहर, आप बाहर फेंक जाओगे पत्थर के समेत, ठीक है। और इसी फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन आप बाहर गए नहीं, क्योंकि पीछे की तरफ क्या लग रही है? टेंशन। अभी आपको यहाँ पर क्या लगेगा कि मैं रेस्ट पर हूँ, और रेस्ट पे होने का मतलब क्या है? फोर्सेस क्या है? इक्वल एंड अपोजिट, टी मस्ट बी इक्वल टू एफ सी। और टेंशन तो वहाँ से देखो किसके बराबर भी है? एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर भी है। तो एम वी स्क्वायर बाई आर मस्ट बी इक्वल टू एफ सी। बस अंतर क्या था? यहाँ पर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थे, और यहाँ पर किस में थे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेटेड फ्रेम में थे आप, ठीक है कि नहीं बात आपको? तो सेंट्रीफ्यूगल हमेशा अवे फ्रॉम सेंटर लगता है, और सेंट्रीपिटल टूवर्ड्स दी सेंटर लगता है, ठीक है। देख, यहाँ पर सिर्फ आपको एक फोर्स नज़र आएगा, लेकिन जब आप इसके ऊपर बैठेंगे, आप जब मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठेंगे, तो आपको दो फोर्स नज़र आएंगे, सेंट्रीफ्यूगल एंड टेंशन, एंड दैट मस्ट बी बैलेंस, क्योंकि आप किस में हो? रेस्ट में हो। समझ आई या नहीं आई बात आपको? कर लोगे, ठीक है। तो अब इसके एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं, और एप्लीकेशन पार्ट से आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। पहली एप्लीकेशन क्या है? मान लो एक कर्व रोड है, ठीक है। कहने का मतलब है, आपको कुछ इस तरीके से, आप गाड़ी में बैठे और आपको कुछ इस तरीके से टर्न लेना है, लेवल है बिल्कुल, और आपको जस्ट क्या लेना है? टर्न लेना है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से है, एक ही लेवल पर है, ऐसे उठाई चढ़ान नहीं है बेटा, कोई भी ऐसे ऊंचाई नहीं है, एक ही लेवल पर आपको क्या लेना है? कर्व लेना है, ठीक है। ये आपकी कार रही, ठीक है, समझ आ रही है बात आपको? कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, नेक्स्ट पर आपकी कार थोड़ी सी क्या हो जाएगी? टिल्ट हो जाएगी, है ना? ये सिचुएशन हो जाएगी, है ना, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे को तो रोड पर देखो सिंपल एक कार खड़ी हुई नज़र आए दिखाई देगी भाई। अगर मैं यहाँ से देखूँ, ठीक है, तो जिसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ मिल रही है। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको? देखो, ये कार इस तरीके से, मान लो यहाँ पर एक सड़क है, और ये इस तरीके से उस पर क्या ले रही है? टर्न ले रही है। तो वेट तो नीचे लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि ये टर्न ले रही है, एक सर्कुलर पाथ का एक छोटा सा हिस्सा कवर कर रही है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स आएगा, हाँ कि ना? अगर मैं बाहर से खड़ा होकर देखूं, तो पक्का एक फोर्स ऐसे नज़र आना चाहिए जो इसको इस कर्व पाथ पर मूव करने में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। क्लियर हो रही है बात आपको? ठीक है। तो बेटा देखो, जो गाड़ी है उसके टायर आपके क्या कर रहे होंगे? रोल कर रहे होंगे। रोलिंग फ्रिक्शन हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन जब गाड़ी क्या करती है? टर्न करती है, तो आप देखो कि पीछे वाला हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा क्या करता है? इस तरफ स्लाइड होता है। समझ रहे हो बात आपको? इस तरफ क्या करेगा? वो स्लाइड करेगा। तो इस तरफ स्लाइडिंग होगी, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैसे आएगा? इस तरफ आएगा, अपोज करेगा वो रिलेटिव मोशन को। दोबारा ध्यान से देखो कि गाड़ी को आप जब टर्न करते हैं, ये गाड़ी आ रही थी और आपने टर्न किया, तो टर्न करने का मतलब क्या होता है? कि पिछले वाले टायर थोड़ा ज़्यादा मूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू ये वाले टायर, गाड़ी इस तरफ स्लाइड होगी। देखो,
ठीक है, ये चीज़ ऐसे आपकी तरफ जाएगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन कैसे आएगा, इस तरफ आएगा। मैं अगर यहाँ से दिखाऊँ, मान लो ये टायर है, चार टायर है, समझ आ रही बात आपको। तो ये टायर ने ज़्यादा क्या किया है, मूवमेंट किया है एज़ कम्पेयर टू दिस टायर। तो अल्टीमेटली स्लाइड इस तरफ हुआ है तो फ्रिक्शन कैसे आएगा, इस तरफ आएगा, क्लियर है। और कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि गाड़ी मूव कर रही है यार, क्लियर है कि नहीं बात आपको। तो आप बोल सकते हैं कि सर काइनेटिक फ्रिक्शन ही क्या प्रोवाइड करवाएगा आपका सेंट्रिपिटल फोर्स mv2/r। देखो ज़रा ध्यान से, अगर मैं यहाँ से खड़ा होकर चीज़ों को देखूँ तो मैं बोलूँगा कि गाड़ी ऐसे जा रही थी और इस तरीके से थोड़ा सा क्या करी, उस तरफ स्लाइड की, तो फ्रिक्शन आया इस तरफ और इसी फ्रिक्शन ने क्या प्रोवाइड करवा दिया, सेंट्रिपिटल फोर्स, क्लियर है बात आपको। और फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू के इंटू आर। म्यू क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, दैट विल बी इक्वल टू mv2/r। और आर किसके बराबर है बेटा, एम जी के बराबर है। तो म्यू के एम जी इज इक्वल टू mv2/r। एम से एम कैंसिल हो गया, इसको उधर ले जाइए तो वी विल बी इक्वल टू म्यू आर जी, ठीक है कि नहीं बात आपको। दिस इज द वेलोसिटी विद विच यू कैन टेक ए टन, समझ आई बात आपको। तो आप हेडिंग क्या डालेंगे इस टॉपिक की, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए कार विद विच ए कार कैन टेक ए टन ऑन द लेवल कर्व रोड, ठीक है। ध्यान से सुनो, देखो भाई ये चीज़ इसको कर रही है बैलेंस, ठीक है। देखो वी आपके हाथ में, आप कम ज़्यादा कर सकते हो गाड़ी का, लेकिन जो वेट है वो तो फिक्स है। म्यू भी फिक्स है, मतलब आर अल्टीमेटली फिक्स है, फ्रिक्शन फोर्स फिक्स है मैक्सिमम काइनेटिक का, क्लियर है कि नहीं बात आपको। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि ये इसके बराबर रहना चाहिए या फिर ये इससे बड़ा रहना चाहिए, समझ आई या नहीं यही बात आपको। तो अल्टीमेटली दिस है ना, हाँ समझ आई बात आपको। ये आ जाएगा वेलोसिटी विल बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, देखो थोड़ा ध्यान से कि गाड़ी चल रही थी और गाड़ी ने कुछ इस तरीके से टर्न लिया तो उसने उस तरफ स्लाइड किया तो फ्रिक्शन इस तरफ आ गया। और अगर आप बाहर खड़े होकर देखेंगे तो आप बोलेंगे कि ये फोर्स सेंटर की तरफ है, इस सर्कल के सेंटर की तरफ है, तो इट मस्ट प्रोवाइड दी व्हाट, सेंट्रिपिटल फोर्स। ये आर क्या होगा, इस गाड़ी से इस सर्कल की रेडियस, समझ रहे हो बात आपको, इस सर्कल की, ठीक है। और वहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, वी निकाल लिया, दिस इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच ए कार टेक ए टर्न। उसके बियॉन्ड अगर आप करेंगे तो आप क्या कर जाएंगे, टोपल कर जाएंगे, आप ट्रैक से आउट हो जाएंगे। क्यों, देखो ये V, अब मान लो ये 10 है तो मैक्सिमम ये भी 10 हो सकता है, हाँ कि ना, ये फिक्स है बेटा ये 10, क्योंकि अल्टीमेटली म्यू के भी फिक्स है, एम भी फिक्स है और जे भी फिक्स है, ये चीज़ मान लो बदल नहीं सकती है, मान लो। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर देखें तो V वेरिएबल है, आपके हाथ में मोटर की स्पीड है, गाड़ी की स्पीड, उसको बदल कर आप 11 कर दोगे, अगर ये अनबैलेंस हो गया तो आपको प्रॉपर सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं मिल पाएगा और आप आउट ऑफ ट्रैक हो जाओगे, समझ आई बात आपको। तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, mv2/r, ठीक है। और ये सेफ आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, जिसके साथ आप क्या कर सकते हो, टर्न ले सकते हो, ठीक है कि नहीं बात आपको। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूँ इसका, बाइसिकल वाला। अच्छा आपने नोटिस किया होगा जब आप साइकिल पे जाते हो कहीं पर या फिर बाइक पर जाते हो और थोड़ा सा जब क्या होता है टर्न लेना होता है तो आप थोड़े से बेंड कर जाते हो, या फिर आपने देखी होगी मोटो जीपी जिसमें वो बाइकर जो होते हैं वो अपना पूरा घुटना धरती पर लगा देते हैं, जो बाइक रेसिंग होती है ना, तो कितना एंगल आप झुक सकते हैं वो आज देखते हैं। चलिए थोड़ा सा ड्राइंग को समझिए कैसे बना रहा हूँ, मान लो आप सामने से देख रहे हो गाड़ी आ रही है और बाइक आ रही है और बाइक ने क्या कर लिया है, अपने आप को झुका लिया, क्लियर है कि नहीं बात आपको। तो आपको कुछ ये व्यू देखने को मिलेगा, दिस विल बी द थीटा, ये गाड़ी का फ्रंट व्यू है, हाँ के ना, ये हेडलाइट हो गई, ये टायर हो गया, ये आपका जो हैंडल हो गया, ठीक है, उसने झुका लिया, दिस विल बी एक्स एक्सिस एंड दिस विल बी वाई एक्सिस। अगर आदमी देखो सीट पर यहाँ कहीं पीछे बैठा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन तो उसको क्या मिल रही होगी, सीधी मिल रही होगी अलोंग दिस, यस और नो, ठीक है। और वेट कैसे लग रहा होगा, एम जी। नोटिस करो, अगर मैं थोड़े अपने आप को टिल्ट कर लूँ, मैं गाड़ी सीट पर बैठा हूँ और टिल्ट कर दूँ तो नॉर्मल रिएक्शन तो यही होगी ना, क्लियर है, अलोंग दी सीट परपेंडिकुलर के नॉर्मल रिएक्शन ये, और वेट ऐसे नीचे लग रहा है, क्लियर है। ये सिचुएशन मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, ठीक है। अगर मैं एक लाइन पैरेलली वाई एक्सिस के खींचूँ तो ये भी थीटा होगा बेटा, हाँ के ना। अब इस आर को रिजोल्व कर लेता हूँ, दिस विल बी आर
cos थीटा एंड दिस विल बी r sin थीटा, है ना। अब आप ध्यान से देखें, अल्टीमेटली जो बाइक है वो इस तरीके से टर्न ले रही है, हाँ के ना, और ये लेट जो इसका सेंटर है उससे दूरी इसकी कितनी है, r है। तो r cos थीटा को तो कौन बैलेंस कर रहा है बेटा, mg बैलेंस कर रहा है, और r sin थीटा टूवर्ड्स द सेंटर है, देखो सेंटर इस तरफ तो ये टूवर्ड्स द सेंटर है, r sin थीटा मस्ट प्रोवाइड यू बट बेटा mv स्क्वायर बाय r, ठीक है कि नहीं बात आपको, mv स्क्वायर बाय r, दोनों को डिवाइड करें तो टेंजेंट थीटा, दोनों को डिवाइड करेंगे ना तो r से r कैंसिल, sin बाय cos क्या जाएगा टेंजेंट थीटा, m से m कैंसिल, v स्क्वायर बाय rg, ठीक है। तो थीटा कितना आप मैक्सिमम बेंड कर सकते हो, उसका फॉर्मूला क्या आ गया, टेन इनवर्स v स्क्वायर बाय rg, समझ आई या नहीं यही बात आपको भाई, ठीक है। अब देखो ये चीज़ मैंने बाहर खड़े होकर देखी, अब आप अंदर खड़े होकर अब कौन से फ्रेम में जाके देखो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मतलब चीज़ों को आप समझाने की कोशिश करूँगा मैं आपको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, मान लो आप अंदर की तरफ हो, जब गार्ड मुड़ती है, कार मुड़ती है, तो आपको लगता है कि आपको कोई स्त्री फेंकना चाहता है, आप भी तो खुद ऐसे टेढ़े हो जाते हो, हाँ के ना, तो अल्टीमेटली अंदर जो आदमी बैठा होगा उसको लगेगा कि उसको बाहर फेंकने की कोशिश हो रही है, दैट विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेकिन वो एक्चुअली में बाहर नहीं गया क्योंकि फ्रिक्शन ने उसको बचा लिया, हाँ के ना। तो उन दोनों को बैलेंस कर देना, चीज़ों को यहाँ से खड़े होकर देखो तो भी रिजल्ट सेम आएगा, और चीज़ों को अंदर बैठ के देखो तो भी रिजल्ट सेम आएगा। तो सर पीछे क्यों पड़े हो, अलग अलग कॉन्सेप्ट क्यों बता रहे हो, एक ही चीज़ समझा दो, बाहर खड़े होकर ही हम चीज़ों को देख लेंगे, हम अंदर खड़े होकर क्यों सेंट्रीफ्यूगल को पढ़ें, सेंट्रीफ्यूगल से काफ़ी चीज़ें पढ़नी आसान हो जाती हैं, हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। जब आप ऑब्जेक्ट को, जो सिस्टम को या फिर जो ऑब्जर्वर को है वो सिस्टम के अंदर ही मान लेते हो तो काफ़ी चीज़ों को सॉल्व करना क्या हो जाता है बेटा, आसान हो जाता है, ठीक है। इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, थोड़ा सा टॉपिक मैं कहूँगा ट्विस्टेड है, मुश्किल नहीं है, ट्विस्टेड है, इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।